सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के T2X5Z डिवाइस के अंदर आप जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन है ये आपके ऑफ स्क्रीन का एनिमेशन होता है, जैसे कि कुछ में कुछ क्लोक एनिमेशन होते हैं, कुछ बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट भी होते हैं उसके अंदर पहले से एड होते हैं, वो काफी देखने में इंटरेस्टिंग लगते हैं। जब भी आपने स्क्रीन को आप ऑफ कर देते हो जो लोक स्क्रीन पे एनिमेशन होता है वो आप लगा सकते हैं। वेल गाइस चलो डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे हमें यूज करना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। गाइस फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले ओपन करेंगे अपना फोन सेटिंग। सेटिंग्स को हालांकि हमने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है, आप भी यहां पर ओपन कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर वाली सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। आपको इस तरह से डेमो देखने को मिलेगा, इंटरफेस जो इसका कुछ इस तरह से एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको यहां पर देखने को मिलता है। एंड ये अभी अगर आपका डिसेबल्ड है तो आप इसको टर्न ऑन करेंगे यहां से एंड इसमें डिस्प्ले मोड आपको मिल जाता है। इसमें शेड्यूलर डिस्प्ले आप कर सकते हो, डिस्प्ले ऑल डे कर सकते हो, ये सारी चीजें आप यहां से सेट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल क्या है, मूव द फोन वाले को हम सेट करके रखेंगे क्योंकि देखो हम यहां अपनी मर्जी से एक्सेस कर रहे हैं, तो ये मूव वगैरह कर देंगे तब भी आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा। तो अभी देखो हम क्या करते हैं, यहां पर पहले ऑफ स्क्रीन स्टाइल पे हम जाएंगे। इसके अंदर आपको देखो क्या देखने को मिलता है, आपके फोन के अंदर एक क्लोक स्टाइल्स जो है बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो जिस भी टेम्पलेट को आपको एक्सेस करना है आपको उस टेम्पलेट को बस क्लिक करना है कुछ इस तरीके से, देन इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, आप इनमें से भी चूज कर सकते हो जो करना है। ये एक्चुअली क्लोक के आपको इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बाद आपको अप्लाई बटन है, सिंपल प्रेस कर देंगे और ये आसानी से अप्लाई हो जाएगा और इसके अंदर कुछ करना नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मैं अपनी स्क्रीन को बंद करता हूं और मैंने बताया था मूव आउट करने से दिखाई देगा, अपने फोन को बस थोड़ा सा मूव आउट करेंगे एंड क्लोक के देखने को आपको मिल जाता है। तो ये इस तरीके से कुछ आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यूज करना है। आई थिंक आप समझोगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक्सेस कैसे करना है। एंड गाइस फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।